निंजा 400 में ऐसा कुछ खास फीचर्स तो नहीं है, पर हाँ ZX4R हमारी फीचर से लेस है। ZX4R को चलाने के लिए भी आपको 4 से 5 साल का बाइक राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में 3-4 राइड्स होनी चाहिए, तभी अच्छे से मैन्यूवर कर पाओगे, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है यार। मैंने स्टार्टिंग में बोला वीडियो थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक तरफ है हमारे ZX4R तो दूसरी तरफ है निंजा 400। जी हाँ, जब से मैंने ZX4R का वीडियो डाला है, आप लोगों ने इतना कमेंट किया कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ ZX4R लूँ कि निंजा 400 लूँ, आप एक कंपैरिजन वीडियो ले आओ। तो फाइनली मैं इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो लेकर आ गया हूँ, एंड मैं रियली इस वीडियो को शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एंड हाँ, वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी टेक्निकल होने वाली है, बहुत सारे हम फिगर्स की बात करने वाले हैं। तो हाँ, आई थिंक इतना सस्पेंस काफ़ी है आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक दिखवाने के लिए। तो हाँ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कावासाकी का कोई भी बाइक चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, जो एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो एंड आ जाओ, आओ टेस्ट राइड लो, पसंद आए तो बाइक खरीद लेना। तो चलिए अब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, कंपैरिजन स्टार्ट हो और इंजन की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो जो पहला पॉइंट होने वाला है मेरा वो है इसका इंजन और पावर फिगर। इंजन में इन दोनों में बस एक ही सिमिलैरिटी है, वो ये कि दोनों 399 cc के हैं। जी हाँ, हमारी ZX4R भी 399 cc की है एंड कावासाकी भी 399 cc की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स पावर फिगर। अगर मैं पावर फिगर की बात करूँ तो हमारी ZX4R जो है वो 77 bhp का पावर जनरेट करती है भाई साहब, एंड जो निंजा 400 है वो 45 bhp का। दोनों अपनी जगह डिसेंट है, एंड आपको लग रहा होगा कि दोनों सेम सीसीज हैं, इतने अलग अलग पावर आउटपुट क्यों? बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इनलाइन ट्विन सिलेंडर है, ये इनलाइन 4 सिलेंडर है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, मैं उतना टेक्निकली तो नहीं जाऊंगा, पर हाँ इस दोनों बाइक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आज टेक्निकल फ्रंट पे सॉल्व करूंगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला वीडियो थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। एंड अगर टॉर्क की बात करूँ तो ये जो मेरी निंजा 400 है वो 37 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, एंड ZX4R 39 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। टॉर्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बट BHP में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स वेट। जो निंजा 400 है वो 168 kg की है, वेयर एज जो ZX4R है वो 190 kg की है, मतलब 189 टू बी एक्यूरेट, बट 190 kg के है, ठीक है, दोनों कर वेट में बात कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, दोनों में से कोई भी जब सड़कों पे चलेगी ना, दोनों में से कोई भी आपको ना वेटेड फील नहीं होने देगी, इतनी डिसेंट है। जी हाँ, जब आप मैन्यूवर करोगे ना आपको लगेगा ही नहीं कि एक 170 kg की बाइक चला रहे हो, 190 kg की चला रहे हो। जी हाँ, दोनों आपको बहुत अच्छा हैंडलिंग, बहुत अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करती है। एंड निंजा 400 की जो क्रैंक एंगल है वो 180 degrees है, एंड ZX4R की जो फ्लैट प्लेन है वो भी 180 degrees है। दोनों हमें लिक्विड कूल इंजन के साथ देखने को मिल जाते हैं, यह भी एक सिमिलैरिटी है दोनों में। दोनों की इंजन हमें DOSC देखने को मिलती है, बस फर्क इतना है कि जो निंजा 400 है वो DOSC 8 बल्ब है, एंड जो ZX4R है वो DOSC 16 बल्ब है। जी हाँ, दोनों में 6-speed गियरबॉक्स हमें देखने को मिलता है। निंजा 400 की 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, वेयर एज ZX4R की 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, वो भी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। एंड हाँ, एक और चीज़, दोनों के एग्जॉस्ट नोट देखो, शोरूम में तो थ्रॉटल्स लेना अलाउड नहीं है कावासाकी के, बट हाँ मैंने ये ले रखा है, तो अब मैं यहाँ पे ना उसे स्टिक कर दूंगा वीडियो में। तो सबसे पहले हम निंजा 400 का एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। तो ये थी निंजा 400 की एग्जॉस्ट साउंड। नाउ अब हम ZX4R का एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। है ना काफी इंप्रेसिव, लग जाता है पता कि इनलाइन 4 है। तो ये थी ZX4R का एग्जॉस्ट नोट। चलो ये तो हो गई दोनों के इंजन की बात, चलो अब दोनों के ना फीचर्स की बात करते हैं। अगर मैं फीचर्स की बात करूं, निंजा 400 में हमें ABS देखने को मिलता है। जी हाँ, यही इसकी फीचर है। पर अगर ZX4R की बात हो फीचर्स की,
तो चलिए साथ में काउंट करते हैं। ABS तो देखने को मिलता ही है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, पावर मोड्स मिलते हैं, हाँ क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, वो हमें ZX4RR में मिलता है, पर हाँ इसमें आप एक्सटर्नली लगवा सकते हो, ठीक है। एंड ब्लूटूथ देखने को मिलता है, TFT डेस्क देखने को हमें मिल जाता है। तो फीचर्स की अगर बात हो, ZX4R कम्प्लीटली विनर है। निंजा 400 में ऐसा कुछ खास फीचर्स तो नहीं है, पर हाँ ZX4R हमारी फीचर्स से लेस है। चलिए फीचर्स भी हो गई, अब हम दोनों के सस्पेंशन की बात करते हैं। निंजा 400 में हमें 41mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, वेयर एज ZX4R में हमें 37mm का इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो एडजस्टेबल है, ठीक है। ये हो गई सस्पेंशन की बात। नाउ अगर मैं बात करूँ इन दोनों के रेयर साइड ऑफ द सस्पेंशन की, जो दोनों में हमें मोनोशॉक देखने को मिलता है, निंजा 400 में वो प्रीलोड एडजस्टेबल है एंड ZX4R में कम्प्लीटली एडजस्टेबल है। ये होगी इनकी दोनों की फ्रंट और रेयर सस्पेंशंस की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर ब्रेक्स। दोनों की ब्रेक्स काफ़ी बेहतरीन है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो निंजा 400 में हमें 2-piston एक्सल ब्रेक देखने को मिलता है, वेयर एज ZX4R में हमें 4-piston रेडियल ब्रेक देखने को मिलता है। जी हाँ, एंड निंजा 400 में हमें 310mm का ब्रेक पैड वगैरह देखने को मिलता है, वेयर एज इसमें मतलब ZX4R में 290mm का। दोनों ब्रेक्स अपने जगह काफ़ी बेहतरीन है। हमें पहली बार किसी 400 में इंडिया में फ्रंट में डुअल ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, डुअल ब्रेक कैलिपर। वो ज़रूरी है क्योंकि 77 BHP का पावर ये होल्ड करती है, डुअल ब्रेक आपको लगेगा ही लगेगा भाई साहब। और निंजा 445 BHP है, तो इसमें डुअल ब्रेक की ज़रूरत थी नहीं। हाँ टेक्निकली दोनों में बहुत डिफरेंस है, पर जब आप दोनों मशीन्स को राइड करोगे तो आपको लगेगा कि जितनी चीज़ें इसमें दी गई है वो ठीक है। हाँ कभी कभी मुझे लगता है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिजिटल हो सकता था, पर ठीक है ना, ओल्ड स्कूल, बट ये पावर्स में डील करती है भाई साहब। 400cc 45 BHP, ये 400cc 77 BHP, समझे। जब दोनों मशीन्स को आप इंडिविजुअली राइड करोगे, दोनों अपनी जगह बहुत बेहतरीन है। चलिए अब दोनों की राइडिंग पोजिशन की बात करते हैं। जो निंजा 400 की राइडिंग पोजिशन है वो थोड़ी अपराइट है, वेयर एज जो ZX4R की राइडिंग पोजिशन है काफ़ी ज़्यादा कमिटेड है, थोड़ी एग्रेसिव है कंपेयर टू 400। जी हाँ ये एग्रेसिव है, पर जब आप दोनों को राइड करोगे ना, ग्रिप मिलता है भाई साहब। इनफैक्ट ZX4R पे जो सिटिंग पोजीशन है ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। थोड़ी ज़्यादा कमिटेड है तो थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल लगता है, वेयर एज जो 400 है ना, निंजा 400 रेगुलर 400, ये ना आप इससे लॉन्ग टूर्स भी कर पाओगे क्योंकि हैंडलिंग थोड़ी अपराइट है, आपको बैक पेन इश्यूज नहीं होंगे। पर ZX4R थोड़ी कमिटेड है, तो इससे आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं कर पाओगे, लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह में आपको सोचना पड़ेगा, पर निंजा 400 पे इजीली हो जाएगा। चलिए अब सीटिंग पोजीशंस दोनों की बात हो गई, राइडिंग पोजीशंस की बात हो गई, सीट हाइट भी डिस्कस कर लेते हैं। जो निंजा 400 है, 785mm का हमें इसमें सीट हाइट देखने को मिलता है, एंड जो ZX4R है उसमें हमें 800mm का सीट हाइट देखने को मिलता है। ऐसा तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों के सीट हाइट में, पर हाँ दोनों को चलाने में मज़ा उतना ही आएगा। जी हाँ, एंड अब दोनों के प्राइसेस की बात करते हैं। जो निंजा 400 है उसकी ऑन रोड प्राइस 9 lakh rupees है, एंड जो ZX4R है उसकी ऑन रोड प्राइस 11 lakh 11 thousand। जी हाँ, 11 lakh 11 thousand 9 lakh। 400cc के हिसाब से दोनों के प्राइसेस बहुत हाई हैं। मैं माइलेज डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि जो लोग ये मशीन्स खरीदते हैं ना यार, वो माइलेज के लिए नहीं खरीदते, उन्हें चाहिए होता है थ्रिल, उन्हें चाहिए होती है किक। जी हाँ, जब आप ZX4R को राइड करोगे, 77 BHP को का थ्रॉटल लोगे, आप माइलेज नहीं सोच रहे होगे, आपको चाहिए मज़ा कि मुझे थ्रिल कितना मिल रहा है इस बाइक से। सेम गोज़ विथ निंजा 400। तो चलिए लेट्स समराइज दिस वीडियो एंड मैं अपने इनपुट देता हूँ, मुझे क्या क्या फील हुआ किन बाइक के लिए। जो निंजा 400 है, ठीक है, इट्स अ गुड बिगिनर बाइक एंड इट्स अ कम्यूटर, ठीक है, आप कम्यूट कर सकते हो इस बाइक को लेके। सिटिंग पोजीशन अपराइट है, अच्छा फील होगा, ठीक है, लाइट वेटेड भी है। जो ZX4R है, इसके केस में क्या है ना, इट्स अ बिगिनर बाइक फॉर ट्रैक रेडी पर्सन्स। जे जो 5 साल 6 साल से चला रहे हैं, उन्हें अब थ्रिल चाहिए, उन्हें ना पावर, ऑब्वियस सी बात है, जो हर दिन 400cc चला रहे हैं या 500 चला रहे हैं या 600 चला रहे हैं, तो एक समय के बाद ना वो पावर जो है सैचुरेट हो जाती है। उन्हें उनकी जो नेक्स्ट 400cc होगी वो ये होने वाली है ZX4R, ठीक है। ये दो चीज़ें मुझे लगी, एंड अगर मैं
बाकी चीज़ों को मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेसिकली इस बाइक को ZX4R को चलाने के लिए भी आपको 4 से 5 साल का बाइक राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में 3-4 राइड्स होनी चाहिए, तभी अच्छे से मैन्यूवर कर पाओगे, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है यार रियली। मैं तो यही कहूँगा अगर आप उसको खरीदने का सोच रहे हो, पहले आप टेस्ट राइड लो, कंप्लीट थ्रॉटल लो, अब एक बार फील करो, ठीक है। अब आपको 400cc चाहिए, ये दोनों बाइक को कंसीडर कर रहे हो, एक बार आओ निंजा 400 को का टेस्ट राइड लो, ZX4R का टेस्ट राइड लो, फील करो, देखो आपको कितनी पावर लगेगी, ठीक है, उस हिसाब से आप बाइक कर दो। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इन दोनों बाइक को लेकर। एंड आप लोगों ने कमेंट किया था कंपैरिजन लाओ, तो मैंने ले आया निंजा 400 ZX4R का। एंड हाँ, अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगर कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो दोस्तों में यार, आपके जो भी दोस्त हैं और कन्फ्यूज हैं, निंजा 400 लूँ ZX4R लूँ, उन्हें ये वीडियो फेंको, उन तक ये वीडियो पहुँचाओ किसी भी तरह, उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बाइक एक नई टॉपिक के साथ। एंड हाँ, कमेंट करके बताओ कौन सी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ अगला।